हेलो एवरीवन, आज हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था कि केमिकल बॉन्ड कैसे कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। एक आयोनिक बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट और थर्ड वन इज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं आयोनिक बॉन्ड में NaCl का, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है NaCl। तो NaCl में आप लोग जानते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम पहले क्या है, सोडियम प्लस बनाया, ठीक है ना, एक्वस, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है ना। यानी जनरली मेटल जो होता है, मेटल मेटल क्या करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जनरली मेटल क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और आपका जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, वो आपको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, Cl- माइनस बना है, ठीक है ना। तो ये नॉन मेटल, ये क्या होता है आपको आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन किसके किसके बीच में, टू एटम्स। जनरली हम लोग क्या बोल देंगे, टू एटम्स। और ये एटम्स जनरली आपको होते हैं मेटल और नॉन मेटल। टू एटम्स ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर, पूरा का पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यानी जैसे आप देख रहे हैं NaCl का केस हम लिए हैं। NaCl में क्या हो रहा है, Na से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, Na लिया, Na 2, 8 और 1, कोई डाउट इसमें। Na से हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया और किसमें चला गया, Cl में। Cl के पास क्या होता है, 2, 8 और 7, ठीक है ना। और इन्होंने आपस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ, Cl के पास चला गया और क्या बनाया, Na प्लस और Cl माइनस। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इन जनरल, अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं, इन जनरल, अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बोले, एन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो होता है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, अभी हमने बताया था किसके किसके बीच में होता है, बिटवीन अ मेटालिक, कोई भी एक मेटालिक एंड अ नॉन मेटालिक, मेटालिक एंड अ नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक यानी मेटल और नॉन मेटल में आपका ये जो होता है, आपका क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। बट एक केस हम आपको लेके चलते हैं जिसको हम नोट में लिख सकते हैं। एक केस आपको देते हैं NH4+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन जो है, ये आपका, ये जो है, ये किसके तरह बिहेव करता है, इट्स बिहेव एज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अमोनियम आयन किसके तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है अल्कली मेटल की तरह, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरह। जैसे आप लोगों को पता है NaCl क्या बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, उसी तरह से अमोनियम आयन जैसे NH4Cl, ठीक है ना, ये भी आपको क्या बनाता है, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपका क्या बनाता है, आयोनिक कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है, बिकॉज जो अमोनियम आयन है ये आपको बिहेव लाइक अ अल्कली मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोगों ने क्या बोला, आयोनिक बॉन्ड बोला। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड के बारे में कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या क्या होती है आयोनिक बॉन्ड के लिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।